जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को फॉर्मुलेट करने में कौन कौन से विद्वानों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ब्रह्मांड होता क्या है। देखिए, ब्रह्मांड जो है वह एकदम सूक्ष्म अणु से लेकर के वो जिसको आप सेल्स भी कहते हैं उससे भी छोटा, छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे मौलिक कण से लेकर के विशाल सुपर क्लस्टर्स गैलेक्सीज तक इसमें शामिल होते हैं। हम सब ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। पृथ्वी भी हमारा ब्रह्मांड का हिस्सा है, सौरमंडल भी ब्रह्मांड का हिस्सा है, उपग्रह भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, उल्का पिंड वगैरह ये सारे के सारे हम लोग ब्रह्मांड के अंदर में ही है। तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है ये किसी को पता नहीं है। ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से होती है, उसका एंड पॉइंट कौन सा है, उसका सेंट्रल पार्ट क्या है, ये किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे रिसर्च अभी होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ब्रह्मांड की गुत्थियाँ सुलझती जा रही है, लेकिन मानव का इस बारे में अभी तक बहुत ही कम जानकारी वो हासिल कर पाए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत फॉर्मुलेट किया गया है उसमें किस तरह के विद्वानों ने योगदान दिया है। वह क्लॉडियस टॉलमी है जो रोम या यूनान के है। वो 140 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था, वह जियोसेंट्रिक कंसेप्ट उन्होंने दिया था। जियोसेंट्रिक कंसेप्ट क्या होता है? जियोसेंट्रिक कंसेप्ट उन्होंने बताया था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इसके केंद्र में पृथ्वी है, केंद्र में पृथ्वी है और उसके चारों तरफ सूर्य परिक्रमा करते रहते हैं और साथ ही साथ उपग्रह भी जो है वह भी पृथ्वी की ही परिक्रमा करते हैं। यह जो टॉलमी साहब है पृथ्वी को चपटा मानते थे, यह गोल स्फेरिकल नहीं मानते थे और इन्होंने यह भी बताया था कि ये सारा का सारा जो है पृथ्वी यह केंद्र में है। तो हालांकि इनकी जो सिद्धांत है वह सैद्धांतिक रूप से गलत है, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वह बहुत क्रांतिकारी सिद्धांत था। उन्होंने एक रोटेशन का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको भू केंद्रित अवधारणा का जन्मदाता कहा जाता है, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट का जन्मदाता कहा जाता है। और इस इनको बहुत दिनों तक मान्यता मिलती रही, कम से कम सैकड़ों सालों तक। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस पैदा होते हैं जो कि पोलैंड के होते हैं। उन्होंने 1543 में सूर्य केंद्रित अवधारणा दिया। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड का जो केंद्र है पृथ्वी को मानना ये गलत होगा, ये केंद्र नहीं है बल्कि सौरमंडल एक छोटा सा हिस्सा है पूरे ब्रह्मांड का, उसके अंदर में पृथ्वी है, सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। और तो इस तरह से उन्होंने एक सूर्य केंद्रित अवधारणा दे दिया। उन्होंने कहा कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, सन है और उसके चारों तरफ पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह बहुत सारे ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको कहेंगे हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ये एकदम क्रांतिकारी बदलाव था। ये पोलैंड में हुआ था। पोलैंड आप जानते हैं कि यूरोप में है और साथ ही जब पोलैंड ने यह आविष्कार कर लिया तो जर्मनी थोड़ी पीछे रहने वाला था। जर्मनी के एक विद्वान थे, उनका नाम था जोहानस केपलर। इन्होंने ग्रह के गति संबंधी नियम बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो गति करते हैं। यह भी एक क्रांतिकारी स्टेटमेंट था, एक क्रांतिकारी खोज थी। और इसी खोज के आधार बनाकर न्यूटन ने, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। तो इस तरह से सिद्धांत लगातार बनते जा रहे हैं, खोज होते जा रही है। अब आप देखिए, इसमें एक विलियम हर्सेल का नाम है, यह भी ब्रिटेन के है। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है यह बताया। कहा कि सौरमंडल एक बहुत छोटा सा पार्ट है, हमारी जो आकाशगंगा है वह तीन भुजाओं है, उसमें हमारी आकाशगंगा जो है उसमें तीन भुजा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वो सर्पिलाकार है, स्पाइरल है और इसके केंद्र में उसको कहते हैं आपको बल्ज है और बल्ज में आप बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको कहते हैं ब्लैक होल। और इसके दूसरे छोर पे हमारा सौरमंडल है, सूरज है और उसी के चारों तरफ ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते, एक छोटा सा पार्ट है। तो इन्होंने एकदम बात सही कही थी। धीरे धीरे रिसर्च होते जा रहे थे, अन्वेषण होते जा रहे थे, तो चीज़ें और स्पष्ट होती जा रही थी, मिलती जा रही थी। उसके बाद आप देखेंगे एडविन हबल ने भी एक दूरबीन बनाया था और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, प्रतिसरण का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है ये धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो एक्सपैंड हो रहा है। तो इस तरह से सिद्धांत और आगे बढ़ता है। उसके बाद आप देखेंगे
कि एक सिद्धांत आता है बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत जो है वह जॉर्ज लेमेत्रे ने फॉर्मुलेट किया था 1927 में, लेकिन रॉबर्ट वेगनर ने उसको और ज़्यादा अच्छे ढंग से, सैद्धांतिक ढंग से उसमें मॉडिफिकेशन किया और उसको और ज़्यादा सर्टिफाई कर दिया। तो इस तरह से इस सिद्धांत को कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वह एक केंद्र में अवस्थित था, एक छोटा सा पिंड था, वह एक ऐसा पिंड था उसी में ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा था, ग्रेविटी, साथ ही इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा था, डेंसिटी, साथ ही इसमें एनर्जी बहुत अधिक था, एनर्जी, ये लगातार बढ़ते जा रहा था, इतना ज़्यादा बढ़ा कि उसके अंदर में अब वह ग्रेविटी, डेंसिटी, एनर्जी रह नहीं सकता था। तो उस पिंड में आज से 15 अरब साल पहले विस्फोट हो गया, बहुत विशाल विस्फोट हुआ, इतना विशाल विस्फोट हुआ कि इससे पूरे ब्रह्मांड ही बन गया, तारे बन गए, ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए, उल्का पिंड बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए, ऐसे ऐसे नेबुला बने, तो ऐसे ऐसे बनते हैं। तो होता क्या है कि जब इसमें विस्फोट होता है उस पिंड में, उस पिंड का भी नामकरण कर दिया गया है, एक छोटा सा पिंड जो है उस पिंड को कहते हैं सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी उन्होंने कहा था। इसी सिंगुलरिटी में विस्फोट होता है और तीन चीज़ें बनती है, आप याद रखे रहिएगा। पहला बनता है मैटर यानी कि पदार्थ, दूसरा बनता है स्पेस यानी कि स्थान, और तीसरा बनता है टाइम यानी कि आप जानते हैं समय। उससे पहले ये कुछ भी नहीं था, न मैटर था, न स्पेस था, न टाइम था। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया, तो आप ही बताइए, जब मैटर ही नहीं था तो ईश्वर किस चीज़ के बने हुए हैं, जब स्पेस ही नहीं था तो वो थे कहाँ पे, जब टाइम ही नहीं था तो उनके पास टाइम कब आया, तो ऐसे ऐसे लोग बोलते रहते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है बहुत वैज्ञानिक है, इसको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो मैटर जब बनता है पदार्थ, तो उस पदार्थ में सबसे पहले मूल कण बनते हैं, मूल कण, मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे प्रोटॉन होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे न्यूट्रिनो होते हैं, न्यूट्रिनो, जैसे ग्रेविटॉन होते हैं, ग्रेविटॉन, जैसे फोटॉन होता है, ये सारे के सारे मूल कण हैं। अब जानते हैं प्रकाश जो है वह बंडल के रूप में चलता है फोटॉन के, और न्यूट्रिनो बहुत ही शक्तिशाली कण है। इसी तरह से ये चीज़ों का निर्माण होता है, ये मूल कण है। जब यह मूल कण एक जगह सम्मिलित होते हैं तब जाके तत्व का निर्माण होता है, एलिमेंट का निर्माण होता है, तब जाकर के तत्व का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं, जब मूल कण से तत्व का निर्माण होता है और उस तत्व में सबसे पहले हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन, इसी हाइड्रोजन के संलयन होने से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी पैदा होती है। इनके जो नाभिक होते हैं, दो छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलते हैं तो एक बड़े से हीलियम की रचना होती है, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी पैदा होता है, इससे हमारे तारे भी बनते हैं। तो ये बात उन्होंने कही थी, जॉर्ज लेमेत्रे और रॉबर्ट वेगनर ने, इसी के आधार पर यह पूरा सिद्धांत बना हुआ है। साथ ही भविष्यवाणी भी किया जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है, तो इसका भविष्य क्या है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि यह लगातार फैलते जाएगा, लगातार फैलते जाएगा, फैलते 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 इतना दूर तक फैल जाएगा कि बीच बीच में कई जगह पे ब्लैक होल्स बन जाएंगे, और इस तरह से कहीं कहीं भी स्थान खाली रह जाएगा, और इस तरह से हमारा पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ये कहते हैं कुछ विद्वान। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, एक सीमा होगी जो फैलते 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 एक निश्चित सीमा तक जाएगी, फिर उसके बाद सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ते 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 जिस बिंदु से शुरू हुआ था इसका फैलाव, या जहाँ से बनना शुरू हुआ था वहाँ फिर आकर के सिमट जाएगा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, अभी रिसर्च जारी है। तो आपने इस चीज़ को समझा होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर और भी विस्तार से जानकारी चाहिए तो मैं ऑफलाइन क्लास करवाता हूँ, इसमें बहुत विस्तृत चर्चा होती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।